तुम अपना हाथ लगा दो बाबा जी। घर में खाना बनाते हैं, जो ज्ञान में नहीं चलते हैं वो अपने हाथ लगाए देते हैं, खाना अशुद्ध हो जाता है। आप अपना हाथ लगा दो बाबा जी, आदमी खाना शुद्ध हो जाएगा। पानी भी याद में पियो, स्वयं नाशी जो आत्माएं आती है उनको एक गर्म गति करती थी बहुत निंदा है, लेकिन जो एक पुरुष प्रतिनिधि की आत्मा है द्रौपदी के बाद आती है, यही पौधे की आत्मा उनको भी सद्गति होती है क्या? जो द्वापर में आएंगे उनके ज्यादा जन्म होंगे या कम जन्म होंगे? कम जन्म। नहीं नहीं, जो आत्मा एक जन्म लेती है उनके मुकाबले एक जन्म की बात अभी कर रहे थे ना, तो जो आत्मा एक जन्म लेती है वो तो कलयुग के अंत में आवेगी, और जो द्वापर के आदि में आवेगी वो एक जन्म लेगी या अनेक जन्म लेगी? आत्मा को गति सकती तो द्वापर के आदि में आवेगी तो एक जन्म लेने वाले के मुकाबले उसको सदगति ज्यादा मिलेगी ना, वो तो एक ही जन्म में आधा समय सुख और आधा समय दुख भोगेगी, और जो द्वापर के आदि में आया होगा वो कई जन्म तक सुख भी भोगेगा फिर कई जन्म तक दुख भी भोगेगा, आधा सुख और आधा दुख। उनका भी ऐसे ही है, मुरली में आया है, नारायण को दिन रात का ज्ञान नहीं, मुरली का पॉइंट है, नारायण को दिन और रात का ज्ञान नहीं है। रात होती है क्या? ज्ञान कैसे होगा? जहाँ रात होती ही नहीं है तो रात का ज्ञान कैसे होगा? रात का नहीं होगा तो दिन का भी नहीं होगा, वहां तो सदैव है ही दिन दिन, अज्ञान की बात ही नहीं, सदैव आदमी की स्थिति है। जल कहते हैं जिससे कपड़े साफ किए जाते हैं, चाहे शरीर रूपी कपड़े हो चाहे फूल कपड़े हो, वो तो जड़ जल है, और चैतन्य जल भी है, ज्ञान जल। ज्ञान जल से भी जन्म जन्मांतर के जो कपड़े हैं, आत्मा का जो मैल है कपड़ों पर चढ़ा हुआ वो साफ होता है। कैसे? डायरेक्ट नहीं, डायरेक्ट आत्मा ज्ञान जल से साफ होती है। आत्मा जो है वो मन बुद्धि है, वो मन बुद्धि ज्ञान जल से स्वच्छ बनती है, और जब मन बुद्धि आत्मा ज्ञान जल से स्वच्छ बनती है तो शरीर भी स्वच्छ बनता है। कैसे? नहीं, ज्ञान जल से तो आत्मा स्वच्छ बनती है, लेकिन आत्मा जब स्वच्छ बनती है तो आत्मा अपने वाइब्रेशन से जो पांच जड़ तत्व है उनको भी स्वच्छ बनाती है। उनमें जल है मुख्य, पृथ्वी पर ज्यादा हिस्से में जल है, ये मिट्टी है,
जल ज्यादा हिस्से में, जल पतला होता है, तो जल जो है वो स्वच्छ बनता है। शरीर में ज्यादा हिस्सा जल का है या मिट्टी का है? शरीर में भी ज्यादा हिस्सा जल का है। तो आत्मा के कनेक्शन में जो शरीर का जल है वो स्वच्छ बनता है। अकेला जल ही नहीं, पांच और ही तत्व तो स्वच्छ बनते हैं। पांच तत्वों को जब तक सतोपधान नहीं बनाया है तब तक सारी सृष्टि सतोपधान नहीं कही जा सकती। पाप सेवतो ज्ञान के द्वारा, ज्ञान जल के द्वारा आत्माओं को स्वच्छ बनाते हैं, परंतु हम आत्माएं क्या करती है? पांच तत्वों को भी स्वच्छ बनाते हैं। पहले अपने शरीर के अंदर जो पांच तत्व है उनको हम स्वच्छ बनाते हैं। तो नाम पड़ा है गांव का जलगांव, हद का जलगांव नहीं, ये शरीर ही बेहद का जलगांव है। नाच करते करते भी ये जल पीछा नहीं छोड़ता। क्राइस्ट आदि की आत्मा का प्रवीण भी हम किसी स्वरूप में से एक एक में होता है, ठीक है? क्राइस्ट का आदि जब कहा तो क्राइस्ट जैसे सभी धर्म पिताएं भी उसमें आ गए, और उन धर्म पिताओं को फॉलो करने वाले विधर्मी आत्माएं भी आ गई उसमें। माने मनुष्य शक्ति के जितनी भी विधर्मी आत्माएं हैं वो किनके द्वारा पवित्र बनती है? 33 करोड़ देव आत्माओं के द्वारा पवित्र बनती है। ये 33 करोड़ देव आत्माएं जो है उनके संग के रंग में जब तक नहीं आएंगे तब तक वो पवित्र नहीं बन सकते। ब्रह्मा ने जितने भी मुख से ज्ञान रतन दिए हैं वो ब्रह्मास्त्र ही तो है, लेकिन फिर भी वो न सुने क्योंकि आप याद में रहके नहीं सुनाते, आप देवान में रहके सुनाते। लास्ट में ऐसा भी समय आएगा कि आप लगातार याद में रहेंगे तो वो सुनेंगे भी। दूसरों को ऊपर दोष थोड़े देना चाहिए, हर बात में अपना दोष देखना चाहिए। हमारी आत्मा लक्ष्मी नारायण जैसा नहीं बनी है तो हमारा असर दूसरों के ऊपर नहीं होता। जब हमारी आत्मा पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बन जाएगी तो हम जिसको छुएंगे वही पारस बन जाएगा। तो गलती किसकी हुई? अभी तो बताया पहला पहला पॉइंट के कौन सा रहना जी पहला फाउंडेशन बाबा इसमें क्या प्राप्त है?
कृष्णेश्वर कृष्णे को कहा जाता है ग्रंथ बुद्धि में घिसते रहो, हम देह नहीं है, हम क्या है, आत्मा है। ये घिसने का काम सबसे जास्ती कोई ने तो किया होगा, ब्रह्मा ने किया। इसने ये घिसने का काम सबसे जास्ती किया, उसके लिए शास्त्रों में लिखा हुआ है तुलसीदास चंदन घिसे ग्यारह रुद्र अवतार और बारह शिवलिंग, वो आत्मा यही होगी। ग्यारह रुद्र गण है, और उनका बाप है महारुद्र बारवा। ऐसे ही हर धर्म में बारह प्रकार की विशेष आत्माएं होती है। ये मनुष्य जाति की कितनी राशियां है, बारह राशियां। कोई भी मनुष्य क्यों ना हो, बारह राशियों में ही बांटा जाता है। शुरू कर दिया बाप दादा करते हैं। बाप दादा में रामकृष्ण की आत्मा हो गई, रामकृष्ण की आत्मा है, कोई भी बच्चों में प्रवेश करेगी। बाकी देव देव तो बाप के रूप में सिर्फ एक में ही मुकर्र से कार्य करता है। समान बनने का मतलब ये है कि वो सूर्यवंशी आत्माएं हैं, जो बाप समान पुरुषार्थ करती है। जो महारुद्र है उस महारुद्र को फॉलो करने वाली है विशेष। नहीं, जो भी आत्मा पाप पुण्य करती है वो पाप की तीव्रता के ऊपर उसको जल्दी अथवा देर से फल मिलता है। जो पाप कर्म बहुत तीव्र गति से किए जाते हैं उनका फल जल्दी मिल जाता है, और जो पाप कर्म धीमी गति से किए जाते हैं उनका फल कई जन्मों के बाद भी मिलता है। क्योंकि तो परिपक्व स्टेज होनी चाहिए, अति होगी तब ही अंत होगा। ऐसे ही पुण्य की गति है, जो पुण्य बहुत तीव्र गति से किया जाता है उसका फल जल्दी मिल जाता है, और जो पुण्य धीमी गति से किए जाते हैं उनका फल बहुत जन्मों के बाद भी मिल सकता है। ज्ञान में भी ऐसे ही है। बाबा की श्रीमत पर जो बहुत तीव्र गति से चलते हैं उनको तुरंत फल मिलता है, धीमी गति से चलते हैं तो लास्ट में नंबर आएगा। बाबा के ज्ञान में चलते चलते जो तीव्र गति से मनुष्यों की मत पर चलते हैं या मन मत पर चल पड़ते हैं उनके पाप कर्म सौ गुने तीव्र गति से बढ़ते जाते हैं, तो जल्दी फल देते हैं। जल्दी फल देंगे तो रिजल्ट क्या होगा, तोड़ना पड़ेगा, सूक्ष्म शरीर धारण करना पड़ेगा। ब्रह्मा बाबा ने जब शरीर छोड़ा तो राम वाली आत्मा जो थी वो तो बाद में ज्ञान में आई ना, तो फिर अव्यक्तवाणी कैसे चलने लगी? अव्यक्तवाणी ब्रह्मा की आत्मा राम की आत्मा चलाती है क्या?
अव्यक्तवाणी राम की आत्मा चलाती है क्या? कृष्ण क्या? बाप दादा इसलिए बोला जाता है कि ब्रह्मा बाबा शिव की याद में सब बच्चों के मुकाबले जागती रहते हैं। तुम बच्चे जितना मेरे को याद करते हो मैं तुम्हारे साथ हूँ। तो ब्रह्मा की सोल बहुत ही याद में रहती है तो शिव बाप उनके साथ है, इसलिए बाप दादा कहा जाता है। याद करना अलग बात और प्रवेश करना अलग बात। मुरली में बोला है मैं सूक्ष्म वतनवासी रचना में नहीं आता हूँ, मैं सूक्ष्म शरीर में आता हूँ या साकार शरीर में आता हूँ। सूक्ष्म शरीर को पतित कहेंगे या साकार तन से पतित पना होता है? साकार तन को पतित कहेंगे। इसलिए ब्रह्मा में जब दादा लेखराज के रूप में पाठ बजाया जाता है गुलजार दादी में तो शिव की प्रवेशता नहीं होती है, शिव की याद है। इसलिए उस गहरी याद के कारण एक भी वाक्य ऐसा नहीं निकलता गुलजार दादी के मुख से जो मुरली के महावाक्यों को काटने वाला हो। कोई वाक्य किसी ने निकाला हो तो बताओ है? नहीं बाघ शेर को कहते बाघ माने शेर और शेर भी दो तरह के होते हैं, एक बब्बर शेर। बबर शेर का उतना गायन नहीं है क्योंकि वो इतना खतरनाक नहीं होता है। बाघ बहुत खतरनाक होता है, उसको कहते हैं टाइगर। इसलिए अपने भारत का जो राष्ट्रीय जानवर है वो बबर शेर नहीं है, क्या है? बाघ। नाम पर नाम पड़ा है बाघ भी दक्षिण भारत को भारत का विदेश कहेगी तो विदेश पहले होता है या बाद में बनता है? इसे साबित होता है कि मूल भारत बहुत छोटा था क्योंकि जनसंख्या ही बहुत थोड़ी थी। जब संख्या बढ़ती जाती है तो भारत का कलेवर भी बढ़ जाता है। अभी भी बाप दादा बताते हैं समंदर के किनारे के जो शहर है जब विनाश होगा तो ये बंबई डूब जावेगी। आज से 100 सवा साल के अंदर ये बंबई नाम का शहर था ही नहीं, ये माया की नगरी है।
ये मायावी देश जो है वो पहले थे ही नहीं। 500 साल पहले अमेरिका का नाम निशान मनुष्य की बुद्धि में नहीं था। 300 साल पहले ऑस्ट्रेलिया का नाम निशान भी मनुष्य की बुद्धि में नहीं था। जब द्वापर युग शुरू होता है, द्वैतवादी युग, दूसरे दूसरे धर्म आते हैं, तब ये दूसरे देश समंदर से बाहर आते हैं। पहले समंदर में डूबे हुए थे, अभी फिर समंदर में डूब जाएंगे। एटम बमों के बड़े बड़े धमाके होंगे और उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव में जो सैकड़ों मील ऊंचे बर्फ के पहाड़ हैं वो सब पिघल जाएंगे, फट जाएंगे। वो पहाड़ समंदर में जब गिरेंगे तो समंदर का स्तर ऊंचा उठ जाएगा। ये विनाशी धर्म खंड ना पहले थे और ना अब ऐसे ही जो भारत का विदेश दक्षिण भारत कहा जाता है वो भी पहले था ही नहीं और अब भी रहेगा ही नहीं। बाबा 12 का जो ग्रुप होता है उनमें कौन 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 से आता है? 12 के ग्रुप में कौन से आता है? धर्म की आत्मा है, हर धर्म का एक 12 का ग्रुप है ना। तो वो 12 में कौन सी आत्मा है? कौन सी नाम बताने हैं क्या? नाम नहीं पता। बीज रूप मुखिया आधार में बीज रूप ही है, बीज से ही सारी दुनिया निकलती है। बाबा अष्टदे वाला है, सत्सगुरु से अलग है ना, अलग अलग है ना। सबका ऋषि उन्हें कहा जाता है जो सात नारायण है। वो सत्युग में बाद वाले सात नारायण बनेंगे। उनको अष्ट देवों की लिस्ट में नहीं डाला जा सकता। आज दिन में ट्रेन में वो अंतर्गत चित्र बांटते उसमें कृष्ण का वर्णन आता है, 90 आत्मा का वर्णन आता है उसमें कि वो आज दिन में क्यों बड़ा नौ देवियों का गायन है, नौ दिन विशेष चलता है। ऐसे जैनियों में 8 दिन विशेष चलता है। वो नौ देवियां भी नौ देवताओं से कनेक्टेड है। ये जो 8 दिन उनका कार्यक्रम चलता है वो भी 8 देवताओं से कनेक्टेड है। जो दक्षिण ध्रुव अंचल वो जो बर्फीले पहाड़ है, दक्षिण ध्रुव अंचल वो बर्फीले पहाड़, उससे जितना जल स्तर बढ़ेगा उससे ज्यादा तो चंद्रमा जो है धरती पर आने को बढ़ेगा ना। बाद की बात है, एटमिक विस्फोट होंगे वो पृथ्वी पर होंगे या चंद्रमा के ऊपर होंगे? तो पृथ्वी के नजदीक जो असर है वो ज्यादा पड़ेगा या पृथ्वी से दूर दूर जो उपग्रह ग्रह है उनके ऊपर का भी असर पड़ेगा? पृथ्वी के ऊपर। हाँ, बाबा ये
विष्णु पितामह ने चक्रव्य वाला था तो अकेला अर्जुन पितामह ने चक्रव्य रचा विष्णु पितामह ने विष्णु पितामह ने अरे महाभारत सीरियल देखा करो तो जो चक्रव्य वाला था तो देखना सिर्फ अर्जुन जानता था द्रोणाचार्य ने चक्रव्य रचा अर्जुन का अर्थ है गुरु पुरुषार्थ का सिस्टमेटिक अर्जुन करता है उसको अर्जुन कहा जाता है। तरीके से पहले बाप का परिचय ले, संदेश ले, संदेश में तीन बातें आती हैं, भगवान आया हुआ है, पुरानी दुनिया का विनाश होने वाला है, नई दुनिया की स्थापना होने वाली है, ये संदेश पक्का मिले। फिर संदेश पक्का जिसकी बुद्धि में बैठता है वो फिर आगे भी बढ़ना चाहता है तो साप्ताहिक कोर्स लेता है। तरीके से साप्ताहिक कोर्स मिले, नियम पूर्वक, ब्रह्मचर्य पूर्वक, तो फाउंडेशन पक्का पड़ेगा या कच्चा पड़ेगा? पक्का फाउंडेशन पड़ेगा। फिर 7 दिन का कोर्स होने के बाद 7 दिन की भक्ति करे, क्या जैसे कोई भी आत्मा पुराना शरीर छोड़े बगैर नए बाप के घर में जन्म नहीं ले सकती, ऐसे ही पुरानी दुनियादारी की जो बातें बुद्धि में बैठी हुई है या कोई भी धर्म संप्रदाय पर निश्चय बैठा हुआ है वहां से मरे, अनित्य बुद्धि बने। अनित्य बुद्धि बने माने मर गया, और फिर बाप के घर में जाकर जन्म दे, एक दिन आना एक दिन जाना, 7 दिन की भट्टी में पकना गर्भ में, ये ज्ञान गर्भ है। फिर बाप का बच्चा बन करके नित्य बुद्धि बन करके पैदा हो तो बाप का बच्चा कहा जाता है। बाबा अगर ये सिस्टम पूरा नहीं किया तो भगत है या बच्चा है? भगत को भक्त की प्राप्ति होगी, उसका फाउंडेशन जो है भक्त का रहेगा या बच्चे का रहेगा? बच्चों को वर्षा मिलता है, भक्तों को वर्षा नहीं मिलता है। भगवान के भक्तों की संख्या ज्यादा होती है या बच्चों की संख्या ज्यादा होती है? भक्तों की तो संख्या ढेर की ढेर है, भगवान के बच्चे तो बहुत थोड़े होते हैं। तो बच्चा बनना अच्छा है बाप के घर में जाकर जन्म लेकर या भक्त बनना अच्छा है? भक्तों की पहचान है वो सिर्फ आंखों से दर्शन करना चाहिए, किन आंखों से? ये स्थूल आंखों से दर्शन करना चाहिए। अब भगवान का इन आंखों से दर्शन होता है क्या है? अरे आत्मा का ही दर्शन नहीं होता, अपनी आत्मा ही नहीं दिखाई पड़ती तो भगवान कहाँ से इन आंखों से दिखाई पड़ेगा? तो भगत होते हैं दर्शन करने वाले विनाशी आंखों से, और जो बाप के बच्चे बनते हैं वो अविनाशी आंख खोलते हैं। मनुष्य शक्ति का बाप है त्रिनेत्री, तो शंकर कहा जाता है, जिसमें तीसरा नेत्र सदाशिव प्रवेश करता है वो तीसरा नेत्र खोलता है। उस तीसरे नेत्र से तरीके से भक्ति करके जो बाप को पहचानते हैं वो फिर बाप के बच्चे बनते हैं, जो बच्चे बनते हैं वो जन्म जन्मांतर की सुख शांति के वर्षे के अधिकारी बनते हैं। भक्ति मार्ग में चंद्र कहा जाता
क्योंकि राम जब भगवान बाप आते हैं तो राम वाली आत्मा सबसे पहले फेल हो जाती है। इसलिए पहले नंबर का चंद्रवंशी कौन हुआ? राम वाली आत्मा पहले नंबर का चंद्रवंशी हो। जो पहले फेल होता है वो पहला चंद्रवंशी, जो बाद में फेल होंगे वो बाद के चंद्रवंशी। अब ऐसा तो कोई है ही नहीं जिसको माया फेल न करती हो। छात्रों में तो राम को कुलयोग से बताया है। छात्रों में जो राम को सूर्यवंशी बताया है वो राम सूर्यवंशी वास्तव में उसको भगवान बताया है या भगवान का बच्चा बताया? छात्रों की तो बात ही अलग है। राम और कृष्ण को उन्होंने भगवान समझ लिया है, बाकी बात छोड़ दो। राम और कृष्ण भगवान नहीं होते, यहाँ तो बाप के बच्चे हैं राम और कृष्ण। सूर्यवंशी चंद्रवंशी बनते हैं। हाँ, जो सूर्यवंशी बनते हैं वो सब चंद्रवंशी बनते हैं। कोई पहले चंद्रवंशी बनते हैं, कोई बाद में, कोई पहले फेल होते हैं, कोई बाद में फेल होते हैं। तो जो पहले फेल हो जाएगा वो ज्यादा अनुभवी बनेगा, या जो बाद में फेल होगा वो ज्यादा अनुभवी बनेगा? और फाइनल पेपर पहले होता है या बाद में होता है? राम वाली आत्मा तो फायदे में है, पहले फेल हो गई और बाद में फाइनल पेपर में पास हो जाती है। इसलिए मुरली में बोला है कि जो लक्ष्मी नारायण बनते हैं वही राम सीता बनते हैं। अर्थात जिस नंबर के लक्ष्मी नारायण बनेंगे उसी नंबर के राम सीता बनेंगे। हाँ बाबा, मुस्लिम लोग। हाँ रुको, आपने भी ऐसा कुछ पूर्व जन्म में किया होगा दाढ़ी मूछ वाला बन के? उसको न देखो, अपनी आत्मा को देखो, हमको वो इतना दुख क्यों देता है? तो आपने भी ऐसे ही किया होगा, आपको तो भगवान मिला है इसलिए आपका सुख कम हो जाता है। उसको तो उस जन्म में भगवान भी नहीं मिला था, उसका तो दुख बहुत ज्यादा था, इसलिए आप सहन करो। एक कान से सुनो दूसरे कान से निकाल दो। हाँ जी बोलो। पूजा करा पार्वती जी ने ना ज्यादा पत्ता और कम फूल चढ़ाया ऐसा बोलते हैं, तो फूल कौन है पत्ता कौन है? पार्वती पार्वती जब ज्ञान में आती है, एडवांस ज्ञान लेती है, तो रुद्रमाला तैयार हो जाती है या कुछ रह जाती है? तैयार हो जाती। तो रुद्रमाला के जो राजा बनने वाले फूल है वो तो निकल गए, तो पत्ते पत्ते रह जाते। तो पत्तों को ज्यादा चढ़ाती है, पत्तों को ही खाती है। कोमा भी चले गए, उसको बहुत अच्छा लगा। नीचे का उसका ज्ञान ही बाबा 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 करते थे, कोमा भी चले गए। फिर काफी दिन वो दिन है ना कोमा में ही उतरा ना क्यों नहीं जा रही? तो कोमा में गई, तो वहाँ कोमा में किस स्टेज में गई?
उसी स्टेज में गई तो अंत मते तो कते क्यों नहीं होगी बाबा। सोल शरीर छोड़ने के बाद तुरंत जन्म लेती क्या कुछ दिनों के बाद? सोल है आत्मा है तो तुरंत जन्म लेगी। अगर पाप कर्म करने वाला भूत प्रेत है तो भूत प्रेत तो दुखदायी होते हैं तो सूक्ष्म शरीर धारण करके जब तक उसका हिसाब किताब होगा तब तक भटकती रहेगी। हिसाब किताब पूरा करने के बाद फिर जन्म लेगी। नहीं तो आत्मा शरीर छोड़ती है और तुरंत जाकर के गर्भ में जन्म लेती है। बाबा जो का गर्भ महल जो है वो शरीर छोड़ने से 4 महीने पहले से ही तैयार होने लगता है। जिसका महल पहले से ही तैयार होने लगा हो वो वहां जाएगा नहीं जाएगा। और बाबा कृष्ण की सोल कृष्ण की सोल रेगुलर पढ़ाई पढ़ रही कृष्ण की सोल नहीं पढ़ेगी रेगुलर पढ़ाई तो फिर कौन पढ़ेगा? तो फिर भी उनके ध्यान में नहीं आ रहा कि गीता का भगवान शिवशंकर भोलेनाथ है। सच्चा बुद्धि है ना? सच्चा बुद्धि का मतलब क्या हुआ? समझ में कब आएगा? वो बीज है या बच्चा है? बच्चा है। बच्चा बुद्धि तो बच्चा बुद्धि होता है। जो बीज है वो तो बाप होते हैं। बाप ज्यादा समझदार होता है या बीज ज्यादा समझदार होता है? माया तब हार मानेगी जब तुम हार मानना बंद कर देंगे। गीता माता का एडवांस में है गीता के भगवान को गीता माता हमेशा एडवांस में रहती है या माया के प्रभाव में आ जाती है? एडवांस में कहा रही ऐसे विष्णु पार्टी में जाने वाले सदैव एडवांस में रहते हैं या माया से हार खा के कन्वर्ट हो जाते हैं? बाबा मुस्लिम लोग अर्धचंद्र ब्रह्मा को मानते हैं वो तो चांद ब्रह्म के अर्थर जो अर्धचंद्र ब्रह्मा है वो ब्रह्म के अर्थर उसके अर्थ जो स्टार बताया वो उसके अर्थर बाबा वो शेर छोटा है तो उसको जब स्मशान में लेके जाते हैं उसके रास्ते में जाता है माता है उसको देखने की है ना तो वो कपड़े पे ऐसे उसका जो पहलवा रहता है टाटा करती है जीते जी मर गए और जो जीते जी देवांश से मर गया उससे हमारा कोई कनेक्शन नहीं है। यही तब तक देवांश है तब तक माताओं को देवांश होता है माताओं का कनेक्शन उन्हीं के है जो देवांश में मस्जिद में जाते हैं नमाज पढ़ने के तो मुझे माना लेडीज को क्यों जाने नहीं दे जो नमाज पढ़ने क्या रोल है
मुसलमान जो है वो मस्जिद में जाकर के जो नमाज पढ़ते हैं वो कान बंद कर लेते हैं, है? न हम कोई बात तो सुनेंगे किसी की और न दूसरों को सुनने देंगे। तो मुसलमान अपने योगनों को अपने घरवालियों को कमजोर समझते हैं या पावरफुल समझते हैं? कमजोर समझते हैं, इसलिए न खुद सुनेंगे न उनको सुनने देंगे और न यहाँ आने देंगे। बाबा अर्जुन जयद्रथ को मार नहीं सका तो अग्नि प्रवेश करने के लिए सीता जलाता है तो कृष्णा सूर्य को जाग देता है, सुदर्शन चक्र से सुदर्शन चक्र से सूर्य को जाग देता है, सूर्य को ढक देता नहीं है। रोजमर्रे के जीवन में भी ऐसे होता है कि सूर्य के सामने कभी बादल आ जाते हैं और ऐसे लगता है कि सूर्य छिप गया, बाद में बादल हट जाते हैं। तो ऐसे ही हुआ, उसने जो प्रतिज्ञा ली थी कि सूर्य अगर अस्त हो गया तो हम अपने जीवन का अस्त कर देंगे, तो वो गलत फहमी हुई थोड़े समय के लिए। बाद में सूर्य हुआ आया उसकी तपस्या, वो प्रतिज्ञा पूरी हो गई। जैसे कुमार भी रहे ऐसे थोड़े कि सुदर्शन चक्र से डर लिया। बोलते हैं कि ब्रह्मा को सबसे ज्यादा 9 बच्चों से था। जवाब, ब्रह्मा ब्रह्मा ने बड़ी और माँ माने माँ, साधारण माताओं को ही इतना मोह होता है तो वो तो बड़ी से बड़ी अम्मा है। उन्होंने भी शरीर छोड़ा 69 में, जब उनका हार्ट फेल हुआ तो हार्ट फेल क्यों हुआ? इसलिए हुआ कि अम्मा को अपने बच्चों के ऊपर बहुत नाज था और जिन बच्चों के ऊपर बहुत नाज था उन्हीं बच्चों ने धोखा दे दिया तो हार्ट फेल हो गया। तो हार फेल उन्होंने अपनी जो प्रॉपर्टी थी वो जो ट्रस्ट बना लिया बच्चों ने, वो ट्रस्ट बनाने की वजह से ही हार फेल हुआ ना उनका, क्या और दूसरा कुछ कारण है कि उनमें ज्यादा मोह था? इसी वजह से हार्ट फेल नहीं हुआ, बच्चों के ऊपर जो ज्यादा विश्वास था वो विश्वास का घात हो गया। भक्ति मार्ग में तो ऐसे ही मनाते चले आते हैं क्योंकि आत्मा तो शरीर छोड़ने के बाद तुरंत जन्म ले लेती है और पितर से हिंदू के ही पितर खाते हैं या मुसलमान और क्रिश्चियन के भी पितर खाते हैं। ये सब भक्ति मार्ग का ढकोसला है और ढकोसले की यादगार कहाँ की है? संगम युग की यादगार चली आ रही है। संगम युग में जो भगत ब्राह्मण है बीके में वो अभी भी अपना पितर किसको मानते हैं? मम्मा और बाबा को। क्या वो खाने आते हैं? ऐसे ही खिलाते रहते। बाबा का आना भी खराब होता है क्या? खाना खिलाना तो क्या है? नहीं नहीं वो तो भक्ति मार्ग की बात है। ठीक है तो अच्छी बात है ना, तुम्हें खुशी बनी है इस बात से, खुशी बढ़े वो अच्छा है या खराब है?
महापापी वो तो बड़ा पाप हो गया, उनकी तो दुर्गति हो जाती है उन आत्माओं की, वो सूक्ष्म शरीर में भटकती रहती है, दूसरों को दुख देती रहती है, उनको अपना शरीर नहीं मिलता है। ये दूसरे धर्म में कन्वर्ट होने वाली आत्मा ऐसा करती है, आत्मघाती महापापी। जो देवी देवता सनातन धर्म के पक्के हैं, वो कभी ना हत्या करते हैं और ना अपनी हत्या होने देते हैं। प्राण लेना और प्राण देना ये मनुष्यों का काम नहीं है। जो आत्माएं जिसके माना ब्रह्म कुमारी से एडवांस में आती है या बाहर की दुनिया की आत्मा एडवांस में आती है, तो उनको पहले नियमावली बताना या सोच करने के बाद बताना। कोई को भी आत्मा परमात्मा बाप का पूरा निश्चय बैठाना है, फिर वो कोई भी बात मानने के लिए तैयार हो जाएगा। अगर बाप का पूरा पहचान बुद्धि में नहीं बैठती है तो नियम दुनिया भर के कानून बताने लगो वो तो भाग जाएगा। बीके से ही सब आते हैं एडवांस में, ऐसा कोई नहीं आता जो बीके से ना आता हो, चाहे पूर्व जन्म का आता हो चाहे इस जन्म का आता हो, या तो पूर्व जन्म में बीके में रहा होगा या तो इस जन्म में बीके में रहा होगा, तब ही आएगा एडवांस में। आत्मा जब अविनाशी है तो आत्मा अविनाशी है ना तो फिर योजना प्राणियों की संख्या कम क्यों हो रही है? हत्या होने से आत्मा की हत्या हो जाती है? उनकी संख्या कम हो रही है, उनकी संख्या कम हो रही है। आत्मा तो अविनाशी है ना, तो यूसर पानी जो है जंगली जानवर उनकी संख्या कम हो रही है। अरे वो चार पाए हैं कि नहीं? उनके चार पाँव होते हैं ना, तो जो चौपाया है वो एक जाति है, वो एक जाति से कन्वर्ट होकर दूसरी जाति में चला जाता है। क्या कोई भी चौपाया मान लो शेर है, और शेर जो है वो शरीर छोड़ देते हैं, जंगल में आग लग गई शेर नहीं रह गई, अब वो शेरनी का दूसरे प्रकार के चौपाए जानवर से कनेक्शन देह का हो सकता है या नहीं हो सकता है? हो सकता है, तो जाति बदल जाएगी कि नहीं? ऐसे जातियां बदलती रहती है, चौपाए में शाकाहारी और शरीर भी है ना, हो जाते हैं, लिप्त भी हो जाते हैं। डायनासोर की बातें बताते हैं, डायनासोर था तो खत्म हो गई जाति, क्यों खत्म हो गई? कोई जंगल में आग लगी, सारे ही डायनासोर मारे गए, कोई एक बच गया मेल या फीमेल, उसका कनेक्शन कोई मगरमच्छ से हो जाता है तो दूसरी प्रकार की जाति बदल जाती है, उनका खान पान सब बदल जाता है। बाबा आत्मा ज्ञान तो बहुत लेती है लेकिन संस्कार क्यों बदलने होते हैं? आत्मा ज्ञान बहुत लेती है ज्ञान लेकिन संस्कार जल्दी नहीं परिवर्तन, वो ज्ञान लेते ही नहीं। जो ज्ञान दिल से अंदर धारण करते हैं वो ही परिवर्तित होते हैं, जो ज्ञान को दिल के अंदर धारण ही नहीं करते, जैसे रावण
रावण बहुत प्रकांड विद्वान था, ज्ञानी था, लेकिन क्या दिल के अंदर ज्ञान को धारण करता था? नहीं। तो संस्कार कहाँ से चेंज हो जाएंगे? बाबा, साइंटिस्ट लोग कहते हैं कि सृष्टि की निर्मिति बहुत सालों पहले हुई है। वो साइंटिस्ट सच्चा बोलते हैं या भगवान बाप सच्चा बोलते हैं? जो बात ऐसा बोलते है माने देवी, कलयुग में देवी होती है, ऐसा कुछ होता नहीं है। भक्ति मार्ग की दंत कथाएं चली आती है, इस पर विश्वास नहीं करना चाहिए। देवी देवताएं कलयुग त्रेता में होते हैं या कलयुग में होते हैं? देवी देवताएं होते ही नहीं, तो तलवार कहाँ से देंगे? ये तो संगम युग में ज्ञान तलवार चलाने के संस्कार कितने भरे है। वो वहाँ द्वापर कलयुग में उस तलवार की चीखा चलाता है। यहाँ जिन्होंने संस्कार नहीं भरे है चीखी तलवार चलाने के, चीखा ज्ञान सुनाने के, उनमें वहां भी तलवार का युद्ध करने के संस्कार नहीं आते हैं, भाग जाने के संस्कार आ जाते हैं। शिवाजी महाराज को तलवार भवानी माता ने नहीं दी, कलयुग में शिवाजी हुए, कलयुग में भवानी काम से आ गए। चित्र में दिखाते हैं, जो चित्र बनाने वाले हैं वो मनुष्य है भिखारी या भगवान ने चित्र बनाए? दिखाए कितने लिखी? फिर मनुष्य भिखारी होते हैं, निर्भिकारी होते हैं? भिखारी बुद्धि से गलत बात तैयार करेंगे या सच्ची बात तैयार करेंगे? अभी बुद्धि में बैठा नहीं कि तलवार चलाने के संस्कार कहाँ से आते हैं? तो क्यों ऐसी बात उठाते? राजगति पढ़ाई है, उसको कहते हैं तांत्रिक पढ़ाई, भूत प्रेत आत्माओं को सिद्ध करने की पढ़ाई। भूत प्रेत आत्माओं की पूजा भूत प्रेत करेंगे या देवात्मा ही करेंगे? गीता में लिखा है जो भूत प्रेतों की पूजा करते हैं वो भूतियों में जाकर के जन्म लेते रहते हैं, जन्म जन्मांतर उनको सूक्ष्म शरीर भूत प्रेत का मिलता रहता है। जो देवताओं की पूजा करते हैं वो देवियों में जाकर के जन्म लेते हैं, और जो मेरे को मानते हैं एक बाप दूसरा न कोई, वो भगवान भगवती जैसे लक्ष्मी नारायण बनते। तो कौन सी पढ़ाई पढ़नी चाहिए? बाप जो पढ़ाई पढ़ाते हैं वो ऊंची से ऊंच पढ़ाई पढ़ाते हैं, मेरी विद्या क्यों पढ़नी चाहिए? ये तंत्र मंत्र की जो साधना है मेरी विद्या है, मैले कर्म कराने वाली आत्माएं होती है, पूजा लेती रहती है और जिनसे पूजा लेती है उन्हीं को दुख देती है। अन्न किसे कहा जाता है? एक है स्थूल अन्न,
खानी और खाने का है। जो शरीर के पेट का पोषण करता है, पेट भरता है। एक है सूक्ष्मानंद, जो आत्मा का पेट भरता है। शंकर जी नाम दिया है तो शंकर जी की आत्मा कब पुरुषार्थी है। जो आकर के अन्न मांगेगी वो तो जन्म जन्मांतर की जबरदस्त पुरुषार्थी आत्मा है, उसे किसी से लेने की दरकार नहीं है। वास्तव में शंकर में शिव आते हैं, वो शिव आकर के विकारों का दान मांगते हैं। विषय भोग का दान मांगते हैं। वो विषय भोग देने में जो आगे बढ़ गई उसका नाम जगदम्बा कहो या अन्नपूर्णा कहो, इसलिए ये चित्र बन गया चरित्र का कि वो अन्नपूर्णा देवी ने भगवान को आकर के अन्न की भिक्षा दी, जो कोई तुम्हें नहीं देता है, हम पहले नंबर पर देते हैं। बाबा वही चित्र किचन में लगाती है माता है। तो अच्छी बात है ना। एक को देख करके 16,000 सरेंडर हो गई। बोले ये चित्र लगाने से बोले किचन में कुछ कमी नहीं रहती। बोले फूल बात हो गई, ये सूक्ष्म बात है। जो तन मन धन का दान करता है उसके जन्म जन्मांतर सुहाले होंगे या कमी रहेगी, सुहाले बन जाते हैं। बाबा रामायण में लक्ष्मण जो है केशनाव का अवतार बताते और कृष्ण के लिए बलराम को, तो उसका ज्ञान कुछ के लिए बताए को बलराम और कृष्ण दोनों की जोड़ी दिखा है और राम लक्ष्मण की जोड़ी दिखाई है, तो ज्ञान में उनसे कुछ ये भी होता है क्या, वो चेतना क्या होता है, ये भी क्या बिना आपको का कुछ है क्या कुछ ज्ञान में। नाग तो नाग होता है, नाग भिखारी को कहा जाता है या निर्विकारी को कहा जाता है। तो देवताओं में जो ऐसा देवता नाग है जिसके फन के ऊपर कौन है खड़ी हुई पृथ्वी, सारी पृथ्वी का भार शेष नाग के ऊपर पड़ता है, उसको लक्ष्मण के रूप में दिखाया है। चाहे रामायण की कथा हो और चाहे महाभारत की कथा हो, चाहे देवासुर संग्राम की कथा हो, ये कथाएं कहाँ की यादगार है, संगम युग की तो यादगार है। एक ही बात को अनेकों रूप में दिखाया गया है बाबा। गौरी धर्म का कौन गौरी धर्म बौद्ध मुस्लिम जैसे गौरी गौरी धर्म है ना। कोई भी प्रकार के धर्म हो उनके छेड़े निकलते चले जाते हैं। उनमें एक वो ही मुसलमान की है, जैसे पठान मुसलमान होते हैं उनका मस्जिद भी है, आलिम होता है जी, मंदिर भी अलग अलग प्रकार के होते हैं।
ऐसे ही मस्जिदें भी अलग अलग प्रकार की होती है। गणपति के जो युग दिखा थे वृद्धि और सिद्धि सिद्धि प्रदान की, सिद्धि कैसी मिलती है? विधि पूर्वक कर्म करेंगे तो सिद्धि मिलती है। रिद्धि धन संपत्ति को कहा जाता है। धन संपत्ति की जो कदर करता है उसको धन संपत्ति मिलती है। बाबा आकर के हमको कौन सी धन संपत्ति देते हैं? ये ज्ञान रतन ही फूल रतन बन जावेंगे तो रिद्धिवान बन जावेंगे ना। रिद्धि माने धन संपत्ति, इसलिए लक्ष्मी की पूजा करते हैं। क्या लक्ष्मी धन देती है? लक्ष्मी भी कहाँ से लाती? नारायण से लाती। तो गणेश जी को जो भी रिद्धि और सिद्धि मिलती है वो किससे मिलती है? बाप से ही तो मिलती है। एक ही बात को अनेकों रूप में दिखाते हैं। और बाबा ये बाबा बोलते हैं कोई भी आत्मा चेहरे छोड़ दी तो उसको पहले 4-5 महीने का घर वाला रहना चाहता है तो ये खटे माना कोशी नदी का बांध टूट गया तो उसमें 1-2 लाख, 2.5 लाख खत्म हो गए एक ही टाइम में तो उसका देश का तक कैसा होता है माना इतने आत्माओं को चेहरे तुरंत कैसा उनका शरीर तैयार ही नहीं हुआ। आपने कैसे जा दिया उनका शरीर तैयार होता है? उनका शरीर क्योंकि उनकी उम्र ही पूरी नहीं हुई। अब आगे मौत में उन्होंने शरीर छोड़ दिया। जब उम्र ही पूरी नहीं हो रही है तो उनका शरीर कहाँ से गर्भ में तैयार हो जाएगा? संस्कार पकेंगे तभी तो गर्भ में पकना होगा। वो आत्मा तो बीच में ही शरीर छोड़ गई। जिन्होंने भगवान को अनेक रूपों में मान लिया, उन्होंने भगवान को गणेश के रूप में मान लिया। जो भगवान का रूप और भगवानों के रूप में नहीं मानते, किस रूप में मानते हैं? विनायक के रूप में मानते हैं। तो जैसे भगवान के 8 रूप हो गए मुख्य अष्टदेव, ऐसे ही अष्ट विनायक बना दिए। बाकी कोई गणेश जैसा कोई बच्चा नहीं पैदा होता है। ये भक्ति मार्ग की सब कथा कहानियां हैं। तैवी पटेल लोग अपने ही तिवार बनाते हैं और उनके ही तिवार बनाते अपने ही तिवार बनाते हैं और उनके मुसलमानों के ही तिवार बनाते दोनों के तिवार बनाते हैं। अरे अनेक प्रकार के धर्म हैं, अनेक प्रकार के उनके छोट छेड़े हैं, तो अनेक प्रकार की उनकी मान्यता है। कोई की क्या मान्यता, कोई की क्या मान्यता, इसमें नई बात क्या है? आपने कहा था ज्ञान की बातों में रहना, जाल शिकारी होता है वो पक्षियों को फंसाने के लिए क्या डालता है? जाल डालता है। ये माया भी क्या है? जाल डालने वाली है। तो भगवान बाप कहते हैं जालना, जाल ना डाल। ये
मेरे ही बच्चे हो तो मैं फंस जाएंगे। दूसरों के लिए ध्यान बांटती है। मूर्त तो बहुत है। यहाँ जहाँ बताते हैं कि बाप वो सती के अंग गिरे वहाँ वहाँ शक्तिपीठ बन गए। एक की बात थोड़ी है ना, साढ़े तीन की बात है। हाँ, शरीर के तीन अंग होते हैं, मुख्य सर सर और टांगे। फिर उसके अनेक अंग हो जाते हैं एक एक। जन्म नहीं लेते। त्रेता में देह अभिमान जो है वो मुख से नीचे उतर जाता है, भुजाओं तक आ जाता है। संगम युग में बाबा ने कहा है जब तुम उल्टी सीढ़ी चढ़ते हो तो तुम्हारा डिस्चार्ज होना बंद हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि भ्रष्ट इंद्रियों से जो शक्ति छीन होती है वो छीनता बंद हो जाएगी। तुम इतनी आत्म की स्थिति में स्थित हो जाएंगे वो इंद्रियां शीतल हो जाएंगी। उन शीतल इंद्रियों का देहभान का प्रभाव खत्म हो जाएगा, सिर्फ बाहु पास में रहेगा, आंखों में रहेगा, मुख के प्यार की इच्छा होगी लेकिन रस इंद्रियों के प्यार की इच्छा समाप्त हो जाएगी। ऐसे ही सचिव में जो राधा कृष्ण जैसे बच्चे पैदा होते हैं वो वाइब्रेशन की औलाद है, दृष्टि के प्यार से भी पैदा नहीं होते। क्योंकि संगम युग में जो लक्ष्मी नारायण नर से नारायण नारी से लक्ष्मी बनते हैं उनमें देह भान का नाम निशान नहीं होता। दृष्टि मात्र भी देहवान नहीं होता है, इसलिए जो पैदाइश होती है वो दृष्टि की प्यार की पैदाइश नहीं है। राधा कृष्ण वाइब्रेशन की पैदाइश फिर सत्युग के पहले जन्म से मुख के प्यार की पैदाइश होती है। दृष्टि का प्यार होता है वो भी नीचे उतरते उतरते दो कला जब कम हो जाती है तो वो और नीचे उतर जाता है। जो मुख की शेष इंद्रियां है वो नीचे की स्टेज में चली जाती है, भुजाओं में बांधने की इच्छा होती है, उसको कहते हैं भाकी पहनना। दो कलाएं कम हो गई, वो दो कला कम होते 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 आठ कलाएं त्रेता के अंत में कम हो जाती। माना जितना जितना देहभान नीचे की ओर खिसकता जाता है उतना उतना देहभान नीचे खिसकने के कारण उम्र भी कम होती जाती है और सुख भी कम होता जाता है। जो देवताएं लगातार सुख की स्टेज में रहते थे
वो सुख क्षीण हो जाता है। यहाँ तक कि द्वापर में आते आते भ्रष्ट इंद्रियों तक देवान उतर जाता है, सुख क्षण भंगुर रह जाता है और दुख बढ़ जाता है। इसलिए बाबा अभी बोलते हैं कि आत्मिक स्थिति में रहो, ये प्रैक्टिस जितनी जास्ति करेंगे उतने उनके देवता बन जाएंगे, लगातार सुख के भागी बन जाएंगे। नहीं तो एक दो चार जन्म कम हो जाएंगे, जन्म कम हो जाएंगे तो सुख भी कम हो जाएंगे। ओम शांति का नाम पता है, ओम शांति हो गया। हेलो नका